एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखते रहना एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो रिसेंटली बनाया था, एक वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी। तो उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये पूछा था, दीदी हाउ टू सॉल्व टोपोग्राफी मैप्स, जो कि टोपो मैप होता है, टोपो शीट आपको दिया जाता है एग्जाम्स में, तो कैसे डील करना है टोपो शीट से, किस तरह से बेसिकली आपको प्रिपरेशंस करना है। तो आज की इस वीडियो में, नाउ इफ वी टॉक अबाउट टोपो शीट्स, तो टोपो शीट अगर हम बात करें तो बहुत ही टोपो शीट डायरेक्टली नहीं होगा, फर्स्टली आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स को लेकर डिस्कस करने वाले, जो कि टोपो शीट से रिलेटेड है कि किस तरह से आपको टोपो शीट को करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस का, तो फर्स्टली टोपो शीट, ये क्वेश्चन पार्ट वन में पूछा जाता है। देयर आर टू पार्ट्स और टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन इज अ कंपलसरी पोर्शन, उसमें बेसिकली आपको 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग दिया रहता है और 20 मार्क्स टोपोग्राफी से आता है, और ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टोपोग्राफी, उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बेसिकली हम कुछ बेसिक चीज को लेकर टोपोग्राफी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पोर्शंस। एंड इसके बाद अगर जितना भी आज कंप्लीट होता है, लेट्स सी इस वीडियो में हम एंड तक कितना कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद फोर फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस प्रैक्टिकली आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कि किस तरह से आपको फोर फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस, सिक्स फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस, एंड उसके साथ साथ कॉम्पास डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ईस्टिंग्स क्या है, नॉर्थिंग्स क्या है, तो वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डील विद सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोपोग्राफी को अच्छे तरीके से करना है तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, और बेसिक ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑर्डर टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर टोपोग्राफी फ्रॉम योर ज्योग्राफी। एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसमें बेसिकली द टॉप एजुकेटर्स, दे आर गोइंग टू कंडक्ट योर क्लासेस लाइव, जिसमें कि बेसिकली आपको लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, उसके साथ साथ कुछ मॉक टेस्ट एंड ऑल भी कंडक्ट होगा, एंड उसके साथ साथ द एक्सप्लेनेशन इज आल्सो अवेलेबल इन तेलुगु लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। सो इफ यू आर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, एंड यू कैन यूज द कोड मास्टरमाइंड इन ऑर्डर टू गेट अ 10% डिस्काउंट। And every Sunday a special class back to back will be conducted. So अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, so you can check the link in the description box. Well, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बेसिकली टोपोग्राफी को कर रहे हो एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको टोपोग्राफी को कंप्लीट करना है, क्योंकि टोपोग्राफी में यू नीड पेशेंस। आपको जो कि मैप्स दिया रहता है, टोपो शीट दिया रहता है, उसमें आपको खोजना पड़ता है बहुत सारा चीज़ें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू कीप पेशेंस, और वो स्टार्टिंग में करो। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट वन से वही आता है, टोपोग्राफी होता है, तो मेक श्योर कि आप मैप पॉइंटिंग और टोपोग्राफी को पहले कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप थ्योरी पोर्शंस को लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि थ्योरी पोर्शंस हो जाएगा, लेकिन टोपोग्राफी एंड अगर आप लास्ट में करोगे फर्स्टली क्वेश्चंस को कंप्लीट करके, फिर आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। टोपोग्राफी में 20 out of 20 तो इजीली स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले टोपोग्राफी को कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप थ्योरी पोर्शंस को स्टार्ट करना, मैप पॉइंटिंग पहले कर लेना, उसके बाद मूव ऑन टू द टोपोग्राफी क्वेश्चन, बिगिनिंग में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें टोपोग्राफी का, तो टोपो शीट में बेसिकली दो तरह का टोपो शीट आपको एग्जाम्स में दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर हम अगर कोई और एग्जाम्स का बात करें, लेकिन मेनली बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 टोपो शीट्स आपको दिया रहता है, दोनों में से कोई भी एक दिया जा सकता है, विच इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो या तो आपको मैप शीट का नंबर दिया रहेगा 45D10 या फिर 45D7, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ टोपो शीट्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम्स में 2 तरह का टोपो शीट दिया जा सकता है, 45D10 और दूसरा होता है 45D7। नाउ जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि ये 45D7 और 45D10 क्या है। तो लेट मी टेल यू कि इतना समझ लो कि टोपोग्राफी जो होता है, टोपोग्राफी 2 तरह का मैप्स होता है, जो कि आपका, लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। सपोज दिस इज योर टोपो शीट, तो ये बहुत ही बड़ा है, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एंटायरली। सो ये टोपो शीट के स्टार्टिंग में इफ यू कैन सी प्रॉपरली यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 45D/10। सो दिस इज योर
टोपो शीट विच इज 45D10। अगर हम बात करें वही दूसरा एक एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू। सो दिस इज अनदर टोपो शीट, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर, लेट मी ओपन इट, दिस इज योर 45D7। सो ये 45D7 टोपो शीट है और वो वाला 45D10 था। इसी तरह से जो भी टोपो शीट आपको एग्जाम्स में दिया रहता है उसके ऊपर ही लिखा रहता है कि ये 45D10 है कि 45D/7 है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये मैटर नहीं करता कि कौन सा आपको टोपो शीट मिल रहा है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपको कौन सा मिलता है टोपो शीट, और इट इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल। और इतना लंबा टोपो शीट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा ही मिलेगा एग्जाम्स में। तो हमने टू टाइप्स का टोपो शीट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टोपो शीट जो है बेसिकली टोपो मैप्स और ऑर्डिनरी मैप्स जो होता है, बेसिकली आपका टू टाइप्स ऑफ मैप्स ज्यादातर हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया होता है, इंडिया या फिर जो भी, तो पॉलिटिकल मैप होता है आपके पास, फिजिकल मैप होता है, तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, और ये जो टोपो शीट है वो भी उस तरह से एक मैप है। लेकिन टोपो शीट में बेसिकली हम एक बहुत ही स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया के बारे में उसी को इनलार्ज करके पूरा टोपो शीट में दिया रहता है। एक बहुत ही स्मॉल एरिया जो होता है उसी को इनलार्ज कर टोपो शीट में अच्छे तरीके से दिया रहता है। सो टोपो शीट ऐसा नहीं है, सिंस इट इज वेरी बिग, तो ऐसा नहीं है कि टोपो शीट बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है। रादर टोपो शीट एक बहुत ही स्मॉल एरिया या फिर स्मॉल सेक्शन को कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ टोपो शीट में कलर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो मल्टी कलर रहता है, स्पेशली क्या क्या कलर्स हमें देखने को मिलता है। रेड कलर दिखता है जो कि सेटलमेंट्स को डिनोट करता है, तो कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सारा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स बुक्स में देखोगे तो बुक्स में बहुत सारा चीज दिया है, लेकिन उतना आपको गो थ्रू करने का जरूरत नहीं है, डिटेल में उतना नहीं करना है। लेकिन कुछ कॉमन चीज है जैसे कि सैंड ड्यून्स क्या है, या फिर और भी चीज है, बहुत सारा चीज, रेलवे, मेटेलिक रोड, किस तरह से हम डिनोट करते हैं कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। टेम्पल का सिंबल क्या है, कॉन्टूर्स एंड ऑल है वो इंपॉर्टेंट है, स्पॉट हाइट क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस मतलब एरिया में किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको 4 फिगर्ड आना चाहिए, ग्रीड 6 फिगर्ड ग्रीड रेफरेंस आना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको आपको करना है। ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए कि किस एरिया में किस टाइप का ऑक्यूपेशन हो सकता है, तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से बेसिक्स पता होना चाहिए। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, कहीं पर येलो पैचेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर बैरन लैंड होता है तो व्हाइट कलर का होता है। ब्राउन कलर से कॉन्टूर्स इंडिकेट करता है, जितना भी रिलीफ फीचर्स है वो सब को इंडिकेट किया जाता है ब्राउन कलर से। उसके बाद कहीं कहीं पर आपको ग्रीन कलर जो होता है वो वेजिटेशन के लिए हो गया। उसके बाद कहीं कहीं पर आपको रेड कलर जो होता है वो सेटलमेंट्स के लिए होता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कलर क्या डिनोट कर रहा है। बेसिकली फिजिकल फीचर्स और मैनमेड फीचर्स दोनों को लेकर डिस्कस करते हैं, दोनों को लेकर पढ़ते हैं। एंड टोपो शीट में कहीं कहीं पर ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है, तो बेसिकली जितना भी वाटर बॉडीज है लाइक लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, दैट आर बेसिकली डिनोटेड बाई ब्लू कलर। ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है वाटर बॉडीज को। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम टोपो शीट में किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह का क्वेश्चंस करना पड़ेगा। तो टोपो शीट 20 मार्क्स का होता है, 10 डिफरेंट क्वेश्चंस दिया रहता है, एबीसीडी करकर जे तक क्वेश्चन होता है, 10 हो गया, तो 10 क्वेश्चंस आपको मिलता है, जिसमें अगेन सब क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो आपको क्या क्या चीज को प्रिपरेशन करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे तरीके से आएगा। तो टोपो शीट में आपको क्या करना है, आपको 6 फिगर्ड ग्रीड रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इफ यू वॉन्ट मी टू शो यू प्रैक्टिकली कि किस तरह से निकाला जाता है 4 फिगर्ड एंड 6 फिगर्ड ग्रीड रेफरेंस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग। सो 6 फिगर्ड एंड 4 फिगर्ड ग्रीड रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है उसका ऑक्यूपेशन अगर पूछा जाए, अगर कोई अगर आपको दिया हुआ है 4 फिगर्ड, कोई एरिया का 4 फिगर्ड दिया है, सपोज 9749 जो एरिया है, जो ग्रीड रेफरेंस आपको दिया हुआ है, उस ग्रीड रेफरेंस के अंदर सपोज आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर। ऑक्यूपेशन पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा वेदर वहां पर मेटेलिक रोड्स है, नॉन मेटेलिक रोड्स है, उसी तरह से आपको देखकर समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन बी गिवन टू फाइंड आउट द कॉम्पास डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसके लिए प्रैक्टिकली अगेन आई नीड टू शो कि कॉम्पास डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास ड्रेनेज पैटर्न अगर पूछा जाएगा, सपोज आपको कोई ग्रीड रेफरेंस दिया हुआ है और उस ग्रीड रेफरेंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ड्रेनेज पैटर्न जो दिया है वो किस टाइप का है, वेदर इट इज डेंड्रिटिक और वेदर इट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, और वेदर द एरिया इज शोइंग
रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, तो आपको ड्रेनेज पैटर्न पता होना चाहिए। सेटलमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटलमेंट्स आर, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है कि स्कैटर्ड सेटलमेंट है, उस तरह से आपको पता लगाना पड़ेगा। वेल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको कोई भी एरिया दिया रहेगा, कोई भी ग्रीड रेफरेंस दिया रहेगा, उस ग्रीड रेफरेंस के अंदर अगर आपको ये पूछा जा सकता है कि टू मैनमेड फीचर्स के बारे में डिस्कस करो कि दो मैनमेड फीचर क्या क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस ग्रीड रेफरेंस को अच्छे तरीके से। यू नीड टू सी कि वहां पर कौन कौन सा मैनमेड फीचर है, जैसे कि मेटेलिक रोड्स हो गया, नॉन मेटेलिक रोड्स हो गया, टेम्पल हो गया, सो दीज आर ऑल मैनमेड फीचर्स। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कुछ मैनमेड नहीं नेचुरल, कुछ नेचुरल फीचर्स के बारे में बताना, तो अगर हम बात करें नेचुरल फीचर्स का, तो माउंटेन्स, वैलीज, सैंड ड्यून्स, ये सब बेसिकली नॉट मैनमेड, दीज आर ऑल नेचुरल फीचर्स। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि नेचुरल फीचर्स क्या है, मैनमेड फीचर्स बेसिकली टेम्पल्स एंड ऑल हो गया, ये सब मैनमेड फीचर्स है, रोड हो गया, सेटलमेंट हो गया, दीज आर ऑल मैनमेड फीचर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स था जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने आज की इस वीडियो में कवर किया। उसके साथ साथ प्रैक्टिकली आई नीड टू शो यू कि फोर फिगर कैसे बनाना है, सिक्स फिगर ग्रीड रेफरेंस, हाउ टू फाइंड आउट ऑल दोस। तो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।